हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी रिमेट क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपके लिए साधारण ब्याज में कुछ नए तरीके के सवाल लेकर के आए हैं। इस तरीके के सवालों को कैसे समझते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखते हैं। देखो, पहले हम लिख लेते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये सवाल है साधारण ब्याज के। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, जो हो गया हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो पहले सवाल को समझो। पहले सवाल में बोल क्या रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 30 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ब्याज की दर बताओ। इसमें क्या बोला, इसमें समय दिया है, दर पूछ रहा है, हमको समय दिया है, दर पूछ रहा है, 3 गुना हो गई। तो यहां पे क्या मिश्र धन हमारा कितना है, यहां पे देखो सवाल पहला करते हैं, मिश्र धन कितना हो गया हमारा, 3 गुणा मूलधन। हमारा ये जो सवाल बोल रहा है 30 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणा मूलधन। और मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब ये जब 3 गुना हो रहा है तो ब्याज हमारी कितनी हो गई, यहाँ पे 2 गुणा मूलधन, 2 गुणा मूलधन प्लस मूलधन, तो 3 गुणा मूलधन हो जाएगा ना, तो मिश्र धन हमारा 3 गुना हो जाएगा। तो हमारी ब्याज कितनी हो रही है, 2 गुनी। इसमें हम गुना वाले सवाल कर रहे हैं, इतना वर्ष में इतनी गुनी हो रही है, इतने वर्ष में इतनी गुनी हो रही है, तो दर बताओ समय बताओ। तो ये जो गुना वाले सवाल होते हैं ना, हम वो वाले सवाल यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ब्याज हमारी कितनी हो रही है, मूलधन की 2 गुनी। सबसे पहले हम इन सवालों में ब्याज निकालते हैं। इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना जो ब्याज है वो मूलधन के कितना गुना है। तो यहाँ पर देखो हमारी ब्याज कितनी है, मूलधन की 2 गुनी है। तो इस सवाल को करेंगे कैसे करेंगे, डायरेक्ट बता रहा हूं, आप इस फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जितने गुने मूलधन होता है, ब्याज मूलधन का जितना गुना होती है, यहाँ पर देखो ब्याज हमारी कितने गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है, 2 गुना में, और ये जो दिया हुआ होता है ना, ये हमारा सवाल निकल जाता है। जितने गुना ब्याज हो रही है, जितने गुना ब्याज हो रही है मूलधन की, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और वो कितने वर्षों में हो रही है उसका उसमें भाग दे देते हैं। देखो इस सवाल को आप इसमें रख के फॉर्मूले में करोगे, देखो ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया, ये जो हो गया हमारा, डायरेक्ट इतने में हमारा आंसर आ गया। अब देखो आप वैसे करोगे तो कैसे करोगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितनी हमारी, वहां पर 2 गुना मूलधन ही करना पड़ेगा ना, 2 गुना मूलधन बराबर मूलधन गुणा दर गुणा 30 बट्टे 100। अब देखो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मूलधन से मूलधन कट जाएगा, 30 इसका नीचे आ जाएगा, तो देखो दर कितनी आ जाएगी, मूलधन से मूलधन कट जाएगा, 2 गुणा 100 बट्टे 30। यार ये हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, इसमें और इसमें क्या अंतर है, आप दोनों चीज को समझ लो, इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो। क्या करना है, ब्याज मूलधन के जितने गुना हो रही है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और कितने समय में हो रही है उसका भाग कर देते हैं, हमारा आंसर निकल आता है। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा सवाल देखो, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 है। इसमें ब्याज कितना दिया है, ब्याज उस धन का 2/5 है, तो ब्याज कितनी है, 2/5 गुनी। यहाँ पे क्या है, ये 2 गुनी, यहाँ पे ब्याज कितनी है, 2/5 गुनी। तो सवाल को कैसे करेंगे, इसमें देखो ब्याज कितनी है हमारे, ब्याज है 2/5 गुणा
मूलधन, और पूछ क्या रहा है हमें, दर, ये निकाला था ब्याज 2 गुना थी, दर हमने निकाली थी, तो यहां 2 की जगह पर कितना करना है हमें, 2/5, तो दर देखो कैसे निकलेगी, 2/5 × 100, और कितने वर्ष में हो रही है, 10 वर्ष में, तो हमारी दर कितनी आ जाएगी, यहां से देखो 10 से 1 0 कटेगा, 5 2 10, 2 2 4, कितना आ जाएगा, ये 4% आ जाएगा ना, आप इसको काटो कैसे काट दोगे, देखो 2 से 10 कटेगा, 5, 1 5 ये 1 5 ये 25 हो जाएंगे, 25 में 100 का भाग देंगे तो 4% हो जाएगा। अब देखो ये दोनों चीज में एक चीज समझना, इसमें हमें समय दिया है, इसमें भी समय दिया है, और पूछ क्या रहा है, इसमें दर पूछिए और इसमें भी हमसे दर पूछिए, तो इन दोनों में समय दिया है, दर पूछ रहा है। और नीचे वाले सवाल को देखो, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो उसी दर पर कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, इसमें देखो समय दिया है, समय पूछ रहा है, और देखो नीचे वाले में भी, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वृद्धि दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, अलग से, ठीक है। देखो तीसरा सवाल में हमें समय दिया है और समय ही पूछ रहा है, देखो 10 वर्ष में कितनी हो रही है, दुगनी, 10 वर्ष में दुगनी, इसका मतलब क्या, दुगनी का मतलब क्या, ब्याज कितनी है, ब्याज बराबर मूलधन, दुगनी राशि, कोई राशि 10 वर्ष में दुगनी हो रही है, मतलब मिश्र धन मूलधन का 2 गुना है, मिश्र धन मूलधन का 2 गुना है, 10 वर्ष में राशि दुगनी होगी, मतलब मूलधन का 2 गुना मिश्र धन हो गया, तो ब्याज कितनी हो जाएगी, मूलधन होगी ना, हमने बताया था मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन हमारा कितना हो रहा है, 2 गुना, तो मूलधन प्लस ब्याज कितनी हो जाएगी, ब्याज भी हो जाएगी मूलधन, तभी तो हो जाएगा ये 2 गुना मूलधन, तो मिश्र धन 2 गुना हो गया, तो हमारी ब्याज कितनी है, मूलधन की 1 गुनी है, ब्याज कितनी हमारी 1 गुनी है, 2 गुनी नहीं है ना, जितना मूलधन है उतनी ब्याज है, तो मूलधन के बराबर ही ब्याज है, तो उसी दर पर कितने समय में राशि 3 गुनी हो जाएगी, अगर राशि को हम 3 गुना करना है, 3 गुना मूलधन करना है, तो ब्याज हमें कितनी करनी पड़ेगी, मूलधन की 2 गुनी, तो यहाँ पे ब्याज कितनी करने की पड़ेगी हमें, मूलधन की 2 गुनी, तो इसको सवाल को करने से, अगर समय दिया हुआ है समय पूछ रहा है, दर दी हुई है दर पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, जितनी गुनी ब्याज है, ब्याज कितनी मूलधन की 2 गुनी, कितना समय दिया है 10 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष, आंसर आ गया हमारा 20 वर्ष, इसका मतलब क्या है, जो उसी दर पर राशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ब्याज हमने 2 गुनी कर दी, ब्याज कर दी 2 गुनी, एक मूलधन हो गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा 3 गुना, ठीक है, ये चीज अगर समय दिया हुआ है समय पूछ रहा है तो ऐसे करके गुणा कर देते हैं, और बाकी तो ये वाले सवाल मैंने आपको पीछे बता दिए। इसी तरीके से देखो, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, यहां पर देखो वृद्धि 40% की कर रहा है, मतलब ब्याज कितनी है 40%, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, उस धन में 40% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब जो ब्याज है वो मूलधन का 40% है, जो हमारी ब्याज है, ब्याज कितनी है हमारी, ब्याज बराबर 40% मूलधन का, तो 40% कितने लिख लेंगे, 40/100, 40/100 होगी, ब्याज हमारी कितनी होगी, 40/100। अब हमें ये निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, 40/100 इंटू 100/10, दर कितनी है 5, कितना समय हो जाएगा हमारा, 100 से 100 कटेंगे 8 वर्ष, दर दी हुई है 5% दर दी हुई है, कितने समय में, समय पूछ रहा है
तो हम कैसे करते हैं, जितने गुना होती है गुना में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और समय या दर का भाग करते हैं। हमारी ब्याज कितनी थी 40 बट्टे 100 गुनी, 40% थी तो 40 बट्टे 100, 40% को 40 बट्टे 100 कर लिया मल्टीप्लाई 100 बट्टे 5, तो समय आ गया हमारा 8 वर्ष। आशा करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर इसमें कोई भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि हम आपकी इस परेशानी को दूर कर सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो दूसरों के पास तक इसको शेयर कर दें, जैसे कि हम दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें। अगर आपको मैथ में क्या होता है कि मैथ में अगर कोई चीज समझ रहे हो तो आपको वो चीज शुरू से लास्ट तक समझनी होती है, इसी तरीके से ये जो वीडियो हम अपलोड करते हैं, अगर आप वीडियो को स्टार्ट से और लास्ट तक देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आप वीडियो को बीच बीच में देखोगे तो उसमें क्या कुछ चीजें सुनने में आती हैं, कुछ चीजें आगे बढ़ाने में निकल जाती हैं, तो वो फिर कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो नहीं पाता है। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखो शुरू से लास्ट तक जरूर देखो, एक दो मिनट देख के या थोड़ा बहुत देख के वो चीज समझ में आपके में नहीं आएगी, ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।